महानगर पालिका द्वारा संपत्ति कर में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस लोकशाही आघाड़ी की ओर से 7 मार्च को गांधी चौक में साखड़ी उपोषण की शुरुआत की गई। यह आंदोलन आए दिन जोर पकड़ रहा है। मनपा ने मनमानी तौर पर जनता पर कर वृद्धि कर जो अन्याय किया है उससे जनता में रोष व्याप्त है। 9 मार्च को उपोषण का तीसरा दिन रहा। 9 मार्च को उपोषण पर बैठे 4 लोगों का 24 घंटे का उपोषण 10 मार्च को खत्म हुआ। पुनः 10 मार्च को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी पुण्यतिथि अवसर पर इस साखड़ी उपोषण में महिलाओं ने सहभाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके पूर्णाकृति पुतले को मालार्पण कर उपोषण की शुरुआत की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने महिलाओं को सम्मानित किया। इस उपोषण में नगर सेविका तथा पूर्व नगराध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सुनीता लोढ़िया, नगर सेविका रमावती आहिर, कार्यकर्ता लालमणि यादव, कार्यकर्ता तारामणि यादव, कार्यकर्ता अलकाराम टेके, ज्योतिबाई कवठेकर इनका सहभाग रहा। इस वक्त नगर सेविका सुनीता लोढ़िया और शहराध्यक्ष नंदनागरकर ने उपोषण के कारण को स्पष्ट करते हुए मनपा द्वारा की गई कर वृद्धि को कम करने की विनती की। इस वक्त पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, जिला अध्यक्ष गजानन गावंडे, नगर सेवक अशोक नागापुरे, शहर अध्यक्ष नंदू नागरकर, प्रशांत दानो, प्रवीण पड़वेकर, सुरेश बोडने, राजू यादव तथा कांग्रेस की कार्यकर्ता पदाधिकारी और उपोषणकर्ता मौजूद रहे। आज इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर और उनकी सत्ता में समर्थन में बैठे सभी लोगों से निवेदन करने के लिए और आम जनता के साथ हम लोग हमारे कांग्रेस पार्टी है ये जताने के लिए यहाँ जो टैक्स बढ़ाया है महानगर पालिका ने उसके विरोध में यहाँ उपोषण के लिए बैठे हैं। हमारा निवेदन और विनती है कि जो रोड टैक्स लगाया है और सफाई शुल्क लगाया है वो कम किया जाए, क्योंकि 2002 में जो असेसमेंट हुआ था उसके कंपैरिजन में डबल, किसी को ट्रिबल, किसी को चौबल और किसी को 5 पट, इस प्रकार से टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। हमारा निवेदन है कि टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मगर जो कमर्शियल है, हॉस्पिटल्स है, शॉपिंग मॉल है और जो शोरूम है, ऐसे जो कमर्शियल जितनी भी बिल्डिंग्स है उसके ऊपर ज़रूर टैक्स बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन गिनती में चोरी की है उन लोगों को, चोरों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, मगर जो सीनियर सिटीजन्स है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उन लोग सेवानिवृत्त हो गए, उनके अगर टैक्स में इतनी 4% और 5% से बढ़ोतरी हुई है उनका टैक्स 100% कम होना चाहिए। और दूसरी बात, इन लोगों ने जो अभी के बजट में सफाई शुल्क और रोड के लिए जो टैक्स लगाया है वो कम कर देना चाहिए। ये अगर कम होता है तो अपने आप ही टैक्स ज़रूर कम हो जाएगा। तो हमारी विनती है कि जो पब्लिक के ऊपर फालतू का भूदंड लगाया है महानगर पालिका ने, तो जनता इनको ज़रूर सबक सिखाएंगी और आम पब्लिक के साथ हम, हमारे सारे महिला मंडल और कांग्रेस पार्टी। भारतीय लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून सोमवारपासून गांधी चौक या आघाडीचे सर्व नगरसेवक साखळी उपोषणावर बसलेले आहे। या चंद्रपूर महानगरपालिकेने जी सत्ता त्यांनी काबीज केली आहे भारतीय जनता पार्टीने, त्यांचा अंकुश या सत्तेतील नगरसेवा राहिलेला नाही। त्यामुळेच आजपर्यंत कधीही बजेटमध्ये बजेट फायनल आलेलं नाही। त्याच्या पाठीमागचं कारण हेच होतं, त्यांना सांगितलं की चर्चा झाली पाहिजे, चर्चेतून प्रश्न सुटते, सर्व विकासाचे काम असतात। बजेट हा वर्षातून एकदा होते, त्या बजेटमध्ये तरतुदी केल्यानंतर त्याच्यावर अंमलबजावणी केली जाते आणि ते राखूनच काम केलं जातं। त्या बजेटमध्ये रस्ता टॅक्स लावला होता, त्याचा आम्ही विरोध केला। त्याच्यानंतर बजेटमध्ये 3% सफाई शुल्क होतं मागच्या वेळेला, यावेळेस कमर्शियलला 7%, घरगुतीवाल्याला 5%, हे टॅक्स कमी करा। हे मागच्या वेळेला पंपासाठी आम्ही तरतुदी केल्या, ते पंप घेतले नाही, पाण्याचा हाकार गावभर वाढलेला आहे। या 2012
मध्ये 3 कोटी टॅक्स होता, आम्ही तो टॅक्स 4.5 कोटी गेला, नंतर 8 कोटीवर गेलो, मागच्या या वर्षी 10 करोड रुपये आपला टॅक्स वसूल झालेला आहे. परंतु या महानगरपालिकेत बसल्याने सांगितलं की आता आम्ही 40 कोटी टॅक्स वसूल करू. मी त्यांना त्यावेळी 40 कोटी टॅक्स कसा वसूल करणार, त्यांच्या म्हणजे उत्तर नाही. ठीक आहे, मॉल आहे, दुकानदार आहे, टॉकीजवाले आहे, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज आहे, कारखाने असेल, जे जे मंगल कार्यालय आहे, डॉक्टर्स आहे, वसतिगृह आहे, त्यांच्या हितमंशी न्यायालय ज्या कोणी असं, पण मध्यम मार्गाचे मिडल क्लासचे लोक आहेत त्यांच्यावर एकदम चूक दोन्हीकडसुद्धा झालेली आहे आणि चूक कबूल केली महानगरपालिके. महानगरपालिकेच्या हाऊसमध्ये संतोष कंदेवार नावाच्या कॅप्टनी सांगितलं की आमच्या बाबूंनी टॅक्स कमी लावल्यामुळे हा सर्व घोट निर्माण झाला आहे. चूक दुरुस्त करा ठीक आहे, पण सामान्य मध्यम माणसावर जो बोजा एकदम लादणार आहे तो लादला नाही गेला पाहिजे. त्यातला एक मध्यम मार्ग काढला पाहिजे आणि रोड टॅक्स आणि वाढ लावलेला सफाई टॅक्स हा कमी करावा, त्याच्यामागचा आजचा हे आमचं धोरण. आणि म्हणूनच आम्ही सर्व नगरसेवक पाणी पडलं साकडे उचाला बसलेला.